ओम शांति। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। इसको रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? उत्तर, सवेरे सवेरे उठ, अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, ये है विश्व को शांति का दान देने की विधि, और स्वदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। गीता, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। यह भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं कि असलम में ले लो। हिंदी अक्षर शरणागति है। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राजे है, रावण को जलाते भी है, इसलिए भी सिद्ध है कि रावण राज है। इसका भी अर्थ कोई समर्थ नहीं है। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है। अभी यह संगम है तो इस समय ही राम की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी रावण के जेल से निकल राम के असलम में आए हैं। राम राज में रावण राज नहीं हो सकता और रावण राज में राम का राज नहीं हो सकता है। गाया भी जाता है, आधा कल्प राम राज, आधा कल्प रावण राज। राम राज सतयुग और त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम के शरण ली है वही राम राज में गए होंगे। तुम जानते हो, हम अभी राम की शरण में है। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी है। अब तुम बच्चों के बुद्धि में है तो रावण राज सारी दुनिया पर है। कब से शुरू होता है? समझाया जाता है, आधा आधा है। राम राज में सुख, ब्रह्मा का दिन, रावण राज में दुख, अर्थात ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सत्युग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं, फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर और कलयुग में भक्ति दो प्रकार की है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो, कच्छ मच्छ आदि सबकी भक्ति करते हैं,
मनुष्यों के बुद्धि को सतो प्रधान सतो रजोतमो होना ही है, इन स्टेजेस से पास होना है। समझा? बाप समझाते हैं, तुमने अभी राम अथवा शिव की गोद ली है, ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वह फादर है, फिर फादर को सर्वव्यापी कहना, ये कहाँ सुना? कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा है। बाप समझाते हैं, सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वो जरूर दूसरा होगा। सदगति देते ही है गॉड फादर, यह तुम्हारा ईश्वरी जन्म है। तुम अभी संगम पर हो, संगम का टाइम दिन व रात में नहीं गिना जाता है। यह छोटा सा संगम है, जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एजेड से बदल गोल्डन एजेड होती है, रावण राज से बदल राम राज होता है। जिस राम राज के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। ये हुआ जैसे श्लोक, इनका अर्थ किया जाता है, राम के शरण में जाने से फिर तुम सुख अर्थात राम राज में आएंगे। एक कहानी भी है, तुम पहले सुख चाहते हो या दुख? बोला सुख, क्यों? सुख में फिर यम दूत लेने नहीं आएंगे, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अच्छी रीत समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि में है हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता कुल बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। अभी तुम जानते, हमने ही इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह व्रात रूप बिल्कुल ही ठीक है, वरन सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सत्युग में नहीं लिए जा सकते, यह वरन फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्कर पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्कर तो लगाना ही है, इसलिए दिखाया जाता है दैवी वरण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे यह पता थोड़े ही था, कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है। तुम अभी जानते हो 84 जन्म कौन लेते हैं? आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये बात सिद्ध कर बतानी है। पहले पहले देवी देवता ही भारत में थे, भारत गोल्डन एजेड था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। फिर चक्कर को फिरना ही है, मनुष्य को पुनर्जन्म लेना ही है। चक्कर पर समझाना बड़ा सहज है, बाबा डायरेक्शन देते हैं प्रदर्शनी में, ऐसे ऐसे समझाना। इस समय
जबकि हमको नई दुनिया में जाना है तो बाप कहते हैं, बच्चे ये पुरानी दुनिया है, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर की जो भी संबंध आद है उनका बुद्धि से त्याग करो। बुद्धि से नए घर का आवाहन किया जाता है, ये है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आद है उन सब को भूलना है। बाप कहते हैं अपने को देही समझो, तुम असल मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाप कहते हैं, बच्चे अब वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना, अभी चलो अपने घर जहां से तुम नंगे अशरीरी आए थे, अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शरीर को तो ले नहीं जा सकेंगे, आए अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना कब जाना है ये चक्कर समझना है। बरोबर सत्युग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबर वार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएंगी, यह तन तो रावण की प्रॉपर्टी है तो यह रावण को ही देकर जाना है। यह सब कुछ यहाँ ही विनाश होना है, तुम अशरीरी होकर चलो। बाबा कहते हैं मैं लेने आया हूँ। बाबा देखो कितना सहज कर समझाते हैं, फिर धारणा भी तो होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को समझाना चाहिए। मैं गारंटी करता हूँ बाबा, हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको यह प्रैक्टिस होगी वो सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते बच्चे रात्रि को उठकर योग में बैठो, सृष्टि को दान दो। सवेरे उठकर अशरीरी होकर बैठो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। और फिर चक्कर का ज्ञान स्मरण करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से, तो सवेरे उठकर याद में बैठो, बाबा बस अब आपके पास हम आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो सवेरे उठकर बाप को याद करो। शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं तो सृष्टि ही नहीं होती है। सत्युग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है, कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कलप हमारा ही राज चलता है। बुद्धि में जब यह ज्ञान हो तब खुशी रह सके। भल यह भी लिख दो कि
2500 वर्ष के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर क्यूर सेंटर में। परंतु यह लिखेंगे भी वो जिसमें ज्ञान होगा, ऐसे थोड़े ही सेंटर हम खोलते हैं। और सर्विस आप आकर करो, जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है, विख न मिलने से अत्याचार होते हैं। अब तो है संगम तो बुद्धि में सुख धाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तब ही गाते हैं। दुख में स्मरण सब करे, सुख में करे नको। यह पतित दुनिया है, ला कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आवे और राम राज की स्थापना हो जाए फिर रावण राज का विनाश हो। अब विनाश की तैयारी हो रही है, रावण राज खलास होना ही है। बाकी यह गुडियों का खेल करते हैं, कितने गुडी गुडियां बनाते हैं, इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितनी भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहां नहीं बनते हैं। भारत में तो ढेर चित्र है, गाया भी जाता है। ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात, दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, यह भी समझने की बात है। पहले अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी, पहले 16 कला, फिर 14 कला, अंत में कुछ तो कला रह जानी है। परंतु इस समय 9 कला, इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरी भूत हो गई है, पुरानी चीज को आपे ही आग लग जाती है। जैसे बरका जंगल होता है तो उनको आपे ही आग लग जाती है। उनको भी आग लगनी है, थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएंगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती जो एक दो का गला काटने पर लग पड़ते हैं। क्रोध भी कम नहीं है, एक दो को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग हैं दोनों बड़े, आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप के मानते नहीं तो वह विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए, श्रीमत भगवत गीता है ना, और कोई शास्त्र में श्रीमत है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कब पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं, विद्वानों ने जन्म मरण से रहित की हुई गीता में
पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, पतित पावन गाया हुआ है, वही वरदान देते हैं बच्चों को। उनके बदली कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला, वह भी एक तो नहीं होगा, दैवी संप्रदाय कहा जाता है ना, तो कितना भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात को समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए, कितनी बड़ी भूल है, तभी बाप को आना पड़ता है। किसको समझानी देने में भी टाइम चाहिए ना। पहले तो यह निश्चय कराओ कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो, सब एक जैसे कैसे होंगे। कहते हैं सब भगवान की लीला है, एक रूप छोड़ दूसरा लेते हैं, लेकिन परमात्मा कोई पुनर्जन्म थोड़े ही लेते हैं। ये बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का भी अर्थ किसके बुद्धि में नहीं है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव कहते हैं, ओ गॉडफादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर हो चाहिए, परंतु किसके बुद्धि में आता नहीं है। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है। रावण राज खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही सदगति मिलती है। कहते हैं राम राज हो, उनको सूर्यवंशी राज का पता ही नहीं। कहते हैं राम राज नई दुनिया, नया भारत तो सो तो अब बन रहा है, बनना है जरूर, ड्रामा को चलना है जरूर। यह पराई है मनुष्य से देवता बनने की, मनुष्य किसको देवता बना न सके। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती है, विजयंती माला विष्णु की है। ये है ईश्वरी घराना जो अब नया शुरू होता है। आगे था रावण का असुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता है। यह कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, सत्युग में भी साकार से मिलता है। सिर्फ इस समय तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है, समझा। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार
और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब धारणा के लिए मुख्य सार, देश सत, पुरानी दुनिया के संबंध आद सब भूल, स्वयं को देही समझना है, बुद्धि से नए घर का आवाहन करना है। सवेरे सवेरे उठ, सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। वरदान, आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। यह दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो, साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी और अभी अभी निराकारी, तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा, समझा। अब स्लोगन है, दिव्य गुरुओं की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो, जो प्यारा होता है याद उसे किया नहीं जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते, और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। ओम शांति।